आप क्या दे रहे हैं आप? और मुझे तो ये लगता है कि जो वर्कफोर्स आप बना रहे हैं ट्रेनिंग देकर के सरकार के पैसे से, अंतोगत्वा इनको भी एक्सप्लॉइट वही लोग करेंगे उद्योगपति। आखिरकार जब इतनी टेक्निकल, इतनी ट्रेन फोर्स होगी, तो आप ये मुझे बताइए कि उसके भविष्य क्या होगा। अगर इतने बड़े पैमाने पे आप ट्रेनिंग करा रहे हो, सरकार का बजट उसमें खर्च हो रहा है, तो सभापति महोदय उनका भविष्य क्या होगा? 5 साल के बाद। और जो अग्निवीर वाली नौकरी है, सभापति महोदय, कोई भी नौजवान जो फौज के लिए तैयारी करता है वो कभी स्वीकार नहीं कर सकता। जब पहली बार ये स्कीम आई थी अग्निवीर, उस समय बड़े बड़े उद्योगपतियों से ट्वीट कराया गया था कि अग्निवीर से अच्छी कोई योजना नहीं है, इनको हम नौकरी दे देंगे, हम अपने यहां रख लेंगे। और शायद सरकार में बैठे लोगों को यह बात याद होगी, क्योंकि सरकार खुद स्वीकार करती है स्कीम ठीक नहीं है, तभी वो अपनी अपनी सरकारों से कह रहे हैं कि अग्निवीर वाले जो लौट करके आएंगे उन्हें कोटा दीजिए, आप नौकरी दीजिए। सभापति महोदय, सभापति महोदय, मैं बैठ जाता हूं, आप खड़े होकर के कह दीजिए अग्निवीर व्यवस्था अच्छी है। मैं इस सभा में खड़े होकर कहता हूं उस राज्य से, तो हिमाचल प्रदेश से, जिसने पहला परमवीर चक्र विजेता मेजर सोमनाथ शर्मा दिए, कारगिल के युद्ध में सबसे ज्यादा शहीद होने वाले हिमाचल प्रदेश के वीर नौजवान थे, 4 परमवीर चक्र विजेता हुए, उसमें से 2 कैप्टन विक्रम बत्रा और सूबेदार संजय कुमार हिमाचल प्रदेश से हुए। और मैं कहता हूं, जी हां, जो लंबे समय से मांग थी 1 रैंक 1 पेंशन की, किसी सरकार ने पूरी नहीं की, वो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने यहां पर पूरी की है। और मैं एक बात और कहता हूं, अखिलेश यादव जी सुन ले, अग्निवीर में 100% एम्प्लॉयमेंट की गारंटी है और रहेगी। माननीय सदस्य साहब अपनी बात। सभापति महोदय, जो मैंने बहुत छोटा सवाल पूछा था, मैं दूसरी बात कहता हूं, अगर ये बात, ये जो बात ये आप कह रहे हो, तो आपको जरूरत क्यों पड़ रही कि आपको उत्तर प्रदेश में और प्रदेशों में कोटा देना पड़ रहा है 10%? सभापति महोदय, सभापति महोदय, सभापति महोदय, बैठिए बैठिए, सभापति महोदय, जहां तक परमवीर, रुक जाइए रुक जाइए, सभापति महोदय, ये सभापति महोदय, जी जी, मैं आपके सामने कहना चाहता हूं, ये तो केवल मिलिट्री स्कूल गए हैं, मैं आज भी टेरिटोरियल आर्मी के 124 रेजिमेंट में कैप्टन के रैंक पे अपनी सेवाएं दे रहा हूं। अखिलेश जी, केवल ज्ञान मत बांटिए, राहुल गांधी जी के साथ बैठकर अब वाहें बुलाने का झूठ बोलने की आदत पड़ गई। प्लीज बैठिए, प्लीज प्लीज। माननीय सदस्य से मैं आग्रह कर रही हूं, आप अपनी बजट पर चर्चा करें। सभापति महोदय, आपका समय भी पूरा हो गया है, मैं प्लीज कंप्लीट करिए। सभापति महोदय, मैं इसलिए नहीं कह रहा, मैं क्या बात कहना चाहता हूं, शायद मंत्री जी नहीं रहे इसलिए तकलीफ परेशानी ज्यादा है।